ये देखिए हमारा चटपटा और मसालेदार परवल मसाला बनके तैयार है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे परवल मसाला की रेसिपी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। परवल मसाला बनाने के लिए फ्रेंड्स हमने एक परवल को दो भागों में काटा है और अच्छे से धो लिया इसे और सुखा लिया कपड़े से। तो अब हम एक फ्राई पैन में तेल डालेंगे, उसके बाद परवल को डालेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो मेरा स्किप हो गया है, छूट गया था रिकॉर्डिंग करना। बस तेल डालते समय और परवल को डालते समय का वीडियो कटा है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। तो तेल डाल के हमने परवल को डाला और इसे बिल्कुल लो टू मीडियम पे धीमी आंच में इसे पकाना है। इसे कवर करके नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये हमारा बिल्कुल पक जाएगा लेकिन वो फ्राई नहीं होगा। परवल को लोग बहुत जगह पट्टल के नाम से भी जाना जाता है और इसे परवल भी बोलते हैं। तो इस परवल मसाला रेसिपी को हम बहुत धीमी आंचों पे पकाएंगे। आप इसे परवल भाजा भी बोल सकते हैं। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे टॉस करके पकाएंगे। इसको बिल्कुल लो टू मीडियम पे धीमी धीमी आंच पे हम इसे बिल्कुल चलाते हुए पकाएंगे ताकि ये अच्छे से चारों तरफ पक जाए। तो ये देखिए हमारा ये लगभग 70% के आसपास पक चुका है। तो इस प्रकार से आप बनाएंगे। तो इस समय हम मसाला ऐड करेंगे, आधी चम्मच जीरा पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर और आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी से थोड़ी सी कम चम्मच हमने लाल मिर्च का प्रयोग किया है, लाल मिर्च पाउडर का, क्योंकि हमने हरी मिर्च का इसमें प्रयोग अभी तक किया नहीं है। तो इसमें जो तीखापन आएगा वो लाल मिर्च से ही आएगा। तो इन सारे मसाले को हम देके अच्छे से पहले मिला लेंगे ताकि ये सारे परवल में हमारा मसाला एक साथ मिल जाए। अब हम यहाँ पे नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने आवश्यकता अनुसार डालेंगे इसमें, कम ज़्यादा टेस्ट जैसा खाते हो। तो हमने आधी से कम चम्मच इसमें अभी नमक का प्रयोग किया है इसमें, और नमक डाल के अच्छे से मिला लेंगे। तो अब हम इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे फ्रेंड्स, ताकि इसका जो है इसका जो स्वाद हो वो थोड़ी सी पानी डालने से अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। थोड़ी सी पानी डालने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसे कवर करके इसे ढक के 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि हमारा पहले ही पक चुका है हमारा परवल। इसे केवल मसाले को सेट होने के लिए इसे कवर करके अच्छे से, जो भी थोड़ा बहुत कच्चा होगा अच्छे से पक जाएगा। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल ये लगभग पक चुका है और इसे थोड़ी सी हम चला लेंगे। तो ये देखिए मसाला भी हमारा लगभग सेपरेट हो चुका है। तो मसाला आप इसमें कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स, आपको जैसे मसाला पसंद हो। हमने बहुत ही कम मसालों से इसको बनाया है। ये देखिए ये अच्छे से पक चुका है। तो ये फाइनली हमारा पक चुका है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा परवल मसाला बनके तैयार है फ्रेंड्स। तो है ना मज़ेदार और टेस्टी। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे एक बार ज़रूर ट्राई करें, फिर हमें कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।